बज चुकी है चुनावी रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, बिछ रही है चुनावी बिसात, इस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता तय करेगी किसको मिलेगी गांव की सरकार की कमान, चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए झारखंड पंचायत चुनाव पर चुनावी एक्सप्रेस। नमस्कार जोहार, मेरा नाम रीना देवी है और मैं ग्राम पंचायत रसपानी से मुखिया पद से खड़ी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है गुब्बारा छाप। क्या सोच के आप मुखिया में आए हैं? मैं सोच के इस मुखिया पर आई हूँ कि मैं गांव की विकास करूँगी। पति हैं वो नहीं बनाया है, वहाँ पर मैं अपना पति का क्या थे आपके पति? पूरा करूँगी। मेरे पति मुखिया थे। नाला नहीं है, वहाँ पर नाला का व्यवस्था किए हैं। जहाँ पर रोड की कमी हो रही थी वहाँ पर रोड पूरा किए हैं। और गाँव में जो इन आवास के जहाँ जहाँ पर कमी थी उसको भी पूरा अच्छा से किए हैं। तुम आप जीतेंगे तो क्या कार्य करेंगे? मैं जीतूंगी तो मैं पूरा गांव में जहाँ जहाँ जिसकी कमी हो रही है उसको पूरा करूंगी। महिलाओं के लिए आप क्या कार्य करेंगे? महिलाओं के लिए मैं सबसे पहले लड़कियों के लिए जो शिक्षा से बेरोजगार अथी हो चुकी है उसको पहले शिक्षा के अथी में ले जाएंगे। और लड़कियों को जैसे मशीन है, सिलाई मशीन है, और जैसे पापड़ अचार और बहुत सारे जो ऐसे काम है जो कि लड़कियों में कमी है उसको मैं पूरा करूंगी। स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे आप? स्वास्थ्य को लेकर मैं सबसे पहले अपने गांव में हॉस्पिटल व्यवस्था करूंगी, जहां पे जितने भी पेशेंट जो हैं वो आएंगे और दिखाएंगे वहाँ पे आके। कोरोना समय में आप कुछ कार्य किए हैं? कोरोना के समय मेरे हस्बैंड बहुत सारे काम किए हैं जो कि हर समय जो भी बाहर में रहते थे उनको मोबाइल से मैसेज दे के भेजना, उनको बुलाना लाना, उनका बहुत सारा वो काम कर रहे थे। मास्क सैनिटाइज वो सारे को बोल रहे थे पहनने के लिए। और वैक्सीनेशन के लिए क्या कहेंगे आप? वैक्सीनेशन को लेके मैं ये कहूँगी कि जितनी भी सारी जो गांव में जो वैक्सीन नहीं लेते थे उनको मेरे हस्बैंड बोलते थे कि आप ले लीजिए, क्योंकि वो लोग डरती थी लेने में। वैक्सीनेशन को लेके मैं ये कहूँगी कि जितनी भी सारी जो गांव में जो वैक्सीन नहीं लेते थे उनको मेरे हस्बैंड बोलते थे कि आप ले लीजिए, क्योंकि वो लोग डरती थी लेने में। जो सबसे पहले मैं गाँव में जिस चीज़ की कमी हो रही है मैं उसे पूरा करूँगी। और गाँव में जो गरीब है उनको पहले देखूँगी, जिसके घर में जो बेटी की शादी नहीं हो रही है उन लोगों को देखूंगी। वो सरकार के द्वारा मात्र 85,000 खर्च करने का, आप कितना खर्च करेंगे? सरकार की तरफ से जो आए हैं मैं उतना ही खर्च करूंगी, उससे ज़्यादा नहीं करूंगी।